नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको भारतवर्ष की पौराणिक संस्कृति के इतिहास से रूबरू कराने आए हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित एक अनोखे और पौराणिक महत्व के पारिजात वृक्ष के बारे में। बाराबंकी जिले के ग्राम बरौलिया में स्थित ये वृक्ष, जिसे कई भाषाओं में गोरखचंच या बाओबाब भी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं से गहरा संबंध रखता है। मान्यता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपनी माता कुंती की इच्छानुसार इस वृक्ष को स्वर्ग से लाकर किंतूर में स्थापित किया था, और यह वृक्ष करीब 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी सत्यभामा के आग्रह पर स्वर्ग से ये वृक्ष लाकर पृथ्वी पर स्थापित किया था। कितना अद्भुत है कि आज भी इस वृक्ष का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व बरकरार है। इस वृक्ष के फूल सफेद रंग के होते हैं और सूखने पर ये सुनहरे हो जाते हैं। खास बात यह है कि ये फूल रात्रि के समय खिलते हैं और सुबह मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। माना जाता है कि ये फूल बहुत ही कम संख्या में खिलते हैं, और वह भी विशेष अवसरों जैसे गंगा दशहरा के दौरान ही। पारिजात वृक्ष को सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है, और अगर आप इस पवित्र वृक्ष के दर्शन करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें रामनगर टाउन तक जाती हैं, जो किंतूर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। रामनगर से आप स्थानीय परिवहन के माध्यम से इस पवित्र स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस वृक्ष की उपस्थिति यहाँ पर एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है, गोरखचंच या बाओबाब, वह केवल अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो क्या यह सच में स्वर्ग से उतरा है? यह सवाल लोगों के मन में आज भी गूंजता है। पारिजात वृक्ष के बारे में मान्यता है कि इसे छूने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु दूर दूर से इस पौराणिक वृक्ष के दर्शन करने आते हैं। इसके संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक विशेषताएं भी इसे और दुर्लभ बनाती हैं। तो यह था हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में स्थित पारिजात वृक्ष की अनूठी कथा और उसकी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताया। देश विदेश से लोग आज भी यहाँ आते हैं, इसके दर्शन करते हैं और इसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारी अपील है कि हम सब मिलकर इस धरोहर को संरक्षित करें और इसके महत्व को आगे बढ़ाएं। आशा है कि इस वृक्ष की पौराणिक कथा और इसकी धार्मिक महत्ता हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, इस समय मैं बाराबंकी जनपद के बरौलिया गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पे पारिजात का एक वृक्ष, जिसके आदिकाल से पूजा हो रही है, आराधना हो रही है। ये पारिजात वृक्ष, इसकी जो प्राचीन कहानी है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ महंत जी यहाँ के उपस्थित हैं, उसके बारे में जो भी वृत्तांत होगा, जो भी उसकी कहानी है, जो भी कथा यहाँ की प्रचलित है, वो आपको बताएंगे। मैं इस समय पारिजात वृक्ष के सामने ही मैं उपस्थित हूँ। इस पारिजात के सामने जो भी भक्तगण आते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पे बोलते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पारिजात का वृक्ष है, इसको स्वर्ग से लाके यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बारे में कौन सी कहानी या जो सत्यता है इसके बारे में, जो भी सारी चीजें प्रचलित हैं, वो हमारे सामने यहाँ के महंत जी उपस्थित हैं, उन्हीं से हम उन्हीं की जवानी इन सारी चीजों को जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे।
सबसे पहले महंत जी, आपका इंडिया न्यूज टीवी 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो पारिजात का वृक्ष है, मान्यता है कि ये स्वर्ग से लाके पृथ्वी पर इसको स्थापित किया गया। यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद उनकी कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं कि जो यहाँ पर पूर्ति होती है, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। पहले भगवान इंद्र पास, वहाँ से अर्जुन और पांचों पंडवा लोग गए हैं, टीका लेके आए हैं, बाण मारे सीधे प्रसाद लगता है, 6 महीना फूल पत्ती लगता है, 6 महीना सूखा रहता है। पहले सफेद फूल होता है, क्योंकि बात सोनेमा फूल होता है, यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोले को पर चढ़ाएंगे तो महाभारत विजय भाई। 14 रतन में 1 रतन है, कहीं दुनिया में पेड़ नहीं है। 5 पत्ती 7 पत्ती होती है, फूलों में 5 पत्ती होती है, ऐसा पेड़ कहीं दुनिया में, जो मन्नत मांगो भगवान से वो पूरा करते हैं, ऐसा तीर्थ धाम कहीं दुनिया में नहीं है। विजय विजय से आते हैं लोग बाग सबको देखने के लिए, और सबका पूरा होता है, चुनरी बांधते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका भगवान सब कुछ देते हैं, जो मांगे उनका पूरा हो गया, आए जो कुछ वच हो कथा भागवत जो कुछ जीवन करकावत है करता है, साधु संत के लिए इसे कोई चीज खवाओ पियावे सुनने के सुविधा पानी अपना आ जाएगा। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि ये जो पेड़ है ये महाभारत काल से ही यहाँ पर स्थापित है, कुंती महाभारत काल से ही इस पेड़ का यहाँ पर उदय हुआ, ये जो एक इकलौता पेड़ है पूरे विश्व में, वो पेड़ सिर्फ इंद्र के पास मौजूद था, लेकिन माता कुंती के कहने पे अर्जुन ने इस पेड़ को इंद्र से प्राप्त किया, और उसकी स्थापना लाके बाराबंकी जिले में उन्होंने स्थापित किया। महाराज जी के ही कथनानुसार इस पेड़ से कोई भी भक्तगण अगर यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। अब आगे इस पेड़ के बारे में हम और भी जानने की कोशिश महाराज जी से करते हैं। महाराज जी, हमारा आपसे एक सवाल ये है, ये जो पेड़ यहाँ पर स्थापित हुआ है, हालांकि महाभारत काल से ही यह पेड़ यहाँ पर स्थापित है, जिस तरीके से मैं देख भी पा रहा हूँ, या इस विशाल पेड़ का जो तना है वो काफी एक हिसाब से बहुत ही भव्य है, 10 मीटर का है, 10 मीटर का पेड़ है, और इसमें देखिए 5 पत्ते 7 पत्ते, और यहाँ पर 12 साल अपने बाण औजार से पांचों पंडवा लोग रहे हैं, तब भगवान इंद्रपाल पहुंचे तो उनसे मांगे कि हमको ये पेड़ चाहिए, तो वही पेड़ नहीं देंगे, तो वहाँ पहुंचे कहीं पेड़ लेके जाओ चाहे जीतते हैं, तो उनसे युद्ध की युद्ध लेके तब बाण द्वारा लेके पेड़ आए हैं, तो बाण मारी सीधे पत्थर तक, 6 महीना फूल पत्ती होता, 6 महीना कुछ नहीं, आज यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं, जल फूल सबसे पहले वही चढ़ाते, कोई जान नहीं पाता, कैमरा लोग लगाए कैमरा तक का उल्टी, चाहे तुम सगरी रात बैठ जाओ मंदिर में। महाराज जी के कथनानुसार जब इंद्र से महाभारत के समय अर्जुन और पांचों पांडवों ने जब इस वृक्ष के लिए इंद्र देव से उन्होंने इसकी मांग की कि ये वृक्ष हमें चाहिए, एक ऐसा वृक्ष जिसे पारिजात बोला जाता है, उस वृक्ष को लेने के लिए भी पांडवों को इंद्र से युद्ध करना पड़ा, ये महाराज जी के कथानुसार ही है। और फिर जब युद्ध हुआ, फिर इंद्र ने कहा ठीक है हम आपको वो वृक्ष देते हैं, आप ले जाइए, भक्तगणों का कल्याण करिए। और आज भी यहाँ से 2.5 किलोमीटर किंचोर में है, किंचोर में यहाँ से मंदिर है, जबकि पारजात का पेड़ है तब एक मंदिर है भोलेनाथ, सबसे पहले वही धुएं चढ़ाते हैं, कहीं दुनिया में आज और सुबह जला जल फूल चढ़ा मिलेगा वहाँ पर, लोधेश्वर महादेव, हाँ यहाँ किंचोर कुंतेश्वर महादेव। महाराज के कथनानुसार कि यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे ये पारिजात का वृक्ष स्थापित है,
वहीं से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर आज भी महादेव का एक विशाल मंदिर वहां पर बना हुआ है। वहां पर भी जब सुबह महादेव का मंदिर खोला जाता है तो वहां पर दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर भी माता कुंती की आपने बात की है, माता कुंती वहां पर एक जो है, क्योंकि महाभारत काल का समय बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी माता कुंती जल फूल आगे चढ़ा दिए हैं। जल फूल से महाराज आदि देव, जिसको हम भोले शंकर बोलते हैं, उनके ऊपर वो जलाभिषेक करके उनकी विधिवत पूजा करती हैं। और भी यहाँ की क्या मान्यता है, शंकर जी की क्या मान्यता है, वहां पर और क्या सारी चीजें होते हैं, ये भी हम महाराज जी के ही शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, ये वृक्ष महाभारत काल से तो आपने बता दिया, अगर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि इसकी उम्र कितनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? 7 बरस, 7 बरस से ऊपर और जब कुंती माता जी का गरीब रहा तो सोना चांदी कहाँ ले क्या चढ़ाऊँ, तो उनका महाभारत विजय, तब गए अर्जुन हो, तब इका लेके आए कि इका फूल जो सोने का जो कोई चढ़ाएगा पारजात का तो उसकी विजय हो, तब कोई अपनी माता का ही इका लेके अपना आए तब उन्हें होली का चढ़ाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये महाभारत काल से ये वृक्ष यहाँ पर स्थापित, फल है नहीं कि दूसरे पेड़ का हो जाए, बीज है नहीं कि दूसरे तैयार हो जाए, इंद्र भगवान शराब दे दिए हैं, फूल पत्ती रहेगा, बीज नहीं होगा, फल नहीं। एक सबसे बड़ी बात जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये महाराज जी के कथनानुसार ही पूरे विश्व में एक इकलौता एक वृक्ष, ये ऐसा वृक्ष है कि जिसकी कोई भी शाखा आप पूरे विश्व में इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रदेव का इस पे एक श्राप भी है महाराज जी, क्योंकि पूरे विश्व में इंद्र का एक श्राप भी है कि एक वृक्ष सिर्फ बाराबंकी जनपद के कौन सा गांव, बरौलिया गांव में ही स्थापित होगा, और पारिजात का वृक्ष अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, तो पूरे विश्व में सिर्फ बाराबंकी जनपद के जो गांव अभी महाराज जी ने बताया बरौलिया गांव में, वहीं पर ही स्थापित मिलेगा। एक चीज मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये पारिजात वृक्ष सीधे स्वर्ग से लेके हमारे इस पृथ्वी पर स्थापित किया गया है, जिसको यहां पर उत्पन्न हुए 700 वर्ष महाराज जी 700 वर्ष की अवधि बीत चुकी है, और आप भी दर्शकों को मैं दिखाऊंगा यहाँ की जितनी भी मान्यताएं हैं, आप देख सकते हैं कि दूर दूर से भी भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ की जो भी मान्यताएं होंगी वो भी मैं महाराज जी से उनके ही शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। और मेरे ख्याल से आप पीछे जो है कैमरे से देख भी सकते होंगे कि एक विशाल वृक्ष है, और इस वृक्ष को जिस तरीके से इसकी शाखाएं हैं, जिस तरीके से ये पेड़ हरा भरा है, ये पूरे विश्व में एक इकलौता वृक्ष है। कुछ जानकारी अपने दर्शकों तक हम और भी पहुंचाना चाहेंगे महाराज जी। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, ये वृक्ष काफी पुराना है, सरकार से आपको इस बारे में, सरकार से आपको यहाँ के लिए कोई सुविधाएं आपको मिली है? सरकार यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, किनारे किनारे पर विवाद लगा, ये बाबा की जमीन में है, इन्हें सरकार का कोई कुछ नहीं, ना बाबा साधु की कोई सरकार देता है। महाराज जी की एक जो है एक जो उन्होंने अपने शब्दों में बताया, सरकार से ये पारिजात वृक्ष पूरे विश्व में एक ही वृक्ष है, लेकिन भी फिर भी सरकार की तरफ से यहाँ के वृक्ष की जो देखरेख है, या यहाँ पर जो भी श्रद्धालु बढ़ाते हैं उनके लिए जो भी खर्चा होता है, वृक्ष की जो देखरेख होती है, उसके बारे में अभी भी सरकार ने
यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं की है। बात करें अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को आज विश्व स्तर पे है, वो पहले से ही प्रसिद्ध थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम किया आज विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी राम मंदिर को बना के पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो अयोध्या का एक डंका बजा दिया, और अयोध्या से ही सटा हुआ आपका यह बाराबंकी जिला भी। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? कहा बता दे भैया, यहाँ का कुछ गोविंद देते हुए हैं जो देते हैं, वन विभाग में अपने दे देते हैं, वन विभाग वाले सब उठाए के अपना जो पाए उठाए हाकिम लोग खा लें छोटे बड़े। नहीं देखिए, वो वन विभाग की बात अलग है, आप हमारे चैनल ये जो है बता रहा हूँ विभाग है चौकी का, समझो ये बाबा की जमीन में है, तो यहाँ पर आज तो लोग अच्छे साल हो जाएंगे, आज भी नहीं भी मोदी जो की कोई दर्शन करे का पेपर में नहीं जाओ थे, मीडियम नहीं जा सकती। अपने चैनल के माध्यम से अभी तक यहाँ पर कितने भी व्यक्ति आए, कितने भी मीडिया वाले आए, कितने भी हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ये पारिजात वृक्ष एक एकलौता वृक्ष है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस पेड़ को संरक्षण की आवश्यकता है। ये हमारे साथ महंत जी हैं, ये अपने निजी खर्चे से यहाँ के श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था करते हैं, अपने स्वयं के खर्चे से इस वृक्ष की देखरेख करते हैं, अपने ही खर्चे से यहाँ की जो भी सारी चीजें हैं उन चीजों को ये देखते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि पूरे विश्व में एक इकलौता पेड़ ये पारिजात का है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और महाराज जी के आग्रह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी कभी भी अगर लखनऊ से अयोध्या की तरफ अगर कूच करते हैं तो एक बार वो पारिजात वृक्ष का आके दर्शन करें, और महाराज जी की जितनी भी कथन है उनको सुने, और अगर उनको लगता है कि उस पे हमें काम करना चाहिए तो उस पे वो काम करें, क्योंकि पूरे विश्व में पारिजात वृक्ष जो है इकलौता वृक्ष है और पूरे विश्व की हिंदू जात की एक धरोहर है, और उस धरोहर को संरक्षित करना हमारे देश के जो माननीय हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है।